Hey everybody, welcome back to our channel guys. और आज का जो हमारा जो main topic है guys, वो है breeding के ऊपर, गपी मॉलीज ये सब का breeding के ऊपर। तो guys जो breeding होता है वो कैसे करें, अब बिगिनर्स लोगों का यही सवाल है। क्योंकि मैं जब कुछ साल पहले जब मैं स्टार्ट किया था ये सब, तो मैं भी यही सोचता था कि ब्रीडिंग कैसे करना है या फिर कैसे किस तरह से प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे मैं बहुत गलती किया था। तो यही गाइस कि मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गलती ना करो, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है ये सब बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो जो डायरेक्ट विश नहीं करेंगे गाइस, डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, आपको ये करना पड़ेगा कि एक टैंक सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम लो कॉस्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको एक टब लेना है, अगर टब नहीं है तो अगर एक्वेरियम टैंक में अगर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप उसमें भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सस्ता वाला बताऊं तो एक टब ले सकते हो या फिर टैंक में भी कर सकते हो। लेकिन 10-20 gallon का अगर टैंक होगा ना तो ईजिली हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। और अगर उसमें भी नहीं है तो एक टब ले लो, टब ले लो और उसमें ना खूब सारा प्लांट लगा दो। प्लांट जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट लगा सकते हो। फ्लोटिंग प्लांट लगाने से गाइस इजी क्या होगा, जो बेबीज फ्राइज होंगे वो उन लोग को छुपने का जगह मिल जाएगा, छुप सकते हैं इजीली, ये सबसे फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारा प्लांट लगा देना है, फ्लोटिंग प्लांट जैसे कि हो गया, एग्जाम्पल जैसे दे दूँ कि आपको हॉर्नवर्थ लगा दें एक, तो और आपका वाटर कैबेज हो गया, वाटर लेटस भी लगा सकते हो, इसको भी लगा देना, और गपी ग्रास, हाँ गपी ग्रास अगर लगा हुए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब प्लांट सब लगा देना ताकि हाइडिंग प्लेस मिल जाए उनको, ठीक है। और जब हाइडिंग प्लेस मिल जाए कि आपका सेटअप हो गया। और हाँ, वाटर का जरूर ध्यान देना कि वाटर में क्लोरीन नहीं होना चाहिए और वाटर सेफ होना चाहिए, ठीक है। मेन जो था उसने आप ध्यान दे दिया कि टब चाहिए, पानी अच्छा हो, उसमें सेफ वाटर होना चाहिए और थोड़ा सा ना मतलब ना कुछ केमिकल नहीं, और सेफ वाटर, क्लोरीन फ्री, पूरा वाटर एकदम चकाचक एकदम क्लीन, ठीक है, ये वाला रखना है। प्लांट लगा देना, मेन काम हो गया, सेटअप कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद फिश का क्या करें, फिश का आपको क्या करना है, 2 फीमेल लेना है और 1 मेल। अब आप बोलोगे कि हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानोगे कैसे मैं बताऊं। मेल जो होगा ना वो उसका जो कलर होगा बहुत वाइब्रेंट होगा, बहुत वाइब्रेंट कलर होगा, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा। और जो फीमेल होगी उसका जो कलर जो होगा ना वो थोड़ा सा डलनेस होगा और पूरा डल होगा थोड़ा सा कलर, ओके। और जो उसका आप बोलोगे उसमें भी ना समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो पॉइंट होगा मतलब फिन टेल, ठीक है, जो उसका बेली की जगह फिन टेल नोटिस करना, बेली की जगह फिन टेल और उसका हेड का पीछे जो रहता है ना फिन टेल उसको नोटिस करना। उसमें क्या होगा ना, उसका पॉइंटेड रहेगा, जिसका पॉइंटेड रहेगा ना गाइस वही मेल है, और जिसका राउंड होगा वो फीमेल है। और अगर ये भी ना समझ आए तो उसका ग्रेविट स्पॉट देखना, बेली के नीचे डार्क कलर का स्पॉट होगा, अगर वो है तो फीमेल है, और अगर वो नहीं है तो मेल है। अगर ये भी ना समझ में आए और एक तो बता देता हूँ कि उसका क्या हुआ ना, मेल जो होंगे यूजली छोटे रहेंगे और फीमेल यूजली बड़ा रहेगा थोड़ा सा साइज में दिखने में, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका क्या करना है, 2 फीमेल लेना है आपको और 1 मेल लेना है, और इसको रख देना एक जगह पे। अब ब्रीडिंग के लिए तो उन लोग कैसा ब्रीडिंग करते हैं ये तो, मतलब उन लोग का प्रोसेस क्या है, उन लोग का टाइम स्पेंड कैसे करते हैं ये तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये ऐसा है कि अगर उनको साथ रखोगे, 2 फीमेल 1 मेल को अगर साथ रखोगे, तो गाइस आपको 2 वीक्स में या फिर एक कुछ कुछ का 1 हफ्ता में हो जाता है गाइस कि दिख जाता है आपको, रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो लेकिन अगर बोलोगे तो 2 वीक्स अगर आप अच्छे प्लेस में रखना, लाइटिंग का ध्यान देना, उसमें लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग इस चीज के लिए क्योंकि गाइस उनका देखो डे और नाइट उनको भी तो पता चलना चाहिए ना, अब रात हो रहा है दिन हो रहा है, और उन लोगों का हाइडिंग स्पॉट मिलना चाहिए गाइस, तभी ना उन लोगों को अब अकेला टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप झांकते रहोगे देख नहीं होगा ना वैसे, तो उनको अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए देना। इजीली गाइस आपको 2 वीक्स में रिजल्ट मिल जाएंगे, और 2 वीक्स में आप देखोगे तो उसका ग्रेविट स्पॉट जो होगा, फीमेल का जो बेली होगा वो काफी थोड़ा सा बड़ा हो गया रहेगा, फूल गया रहेगा, और जो ग्रेविट स्पॉट, जिस ग्रेविट स्पॉट का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, आप देख के थोड़ा समझ जाओगे और इजिली होगा, और ये सब चीज देख के आप समझ सकते हो गाइस। और हाँ, जनरली अगर मैं आपको मैं बताऊँ, मेरा खुद का बताऊँ ना गाइस, तो मैं टेम्परेचर का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ और वाटर का ज्यादा ध्यान देता हूँ ब्रीडिंग के टाइम पे, ठीक है। और ओवरऑल हर टाइम पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अगर ब्रीडिंग का टाइम कर रहे हो ना तो थोड़ा सा और थोड़ा सा, क्योंकि हमें बेबी फ्राइज जो है ना वो पूरा स्ट्रांग चाहिए गाइस, मतलब कि सेफ रहे और अच्छा हेल्दी रहे, तो टेम्परेचर का आपको ध्यान देना पड़ेगा और वाटर कंडीशन ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इन 2 चीज अगर ध्यान दिया ना गाइस, आपका जो बेबीज फ्राइज जो होंगे बहुत हेल्दी रहेंगे, और फीडिंग जो आप दोगे, फीडिंग जो आप
उनको करोगे ना ब्रीडिंग के टाइम पे हेल्दी खाना देना, ठीक है, वो एरा गेरा फ्लेक्स व्लेक्स मत देना, कुछ हेल्दी एकदम लाइफ फूड देना, या फिर ये सब चीजों से उनको क्या होता है ना कि ज्यादा मतलब अच्छा बेबीज देते हैं, अच्छा बेबीज ले करते हैं, ठीक है। तो खाना खाना उनका ध्यान देना, ठीक है। और आपको ये बताता हूं मैं कि जनरली ये कितना दिन तक होता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अब अगर करेक्ट टाइम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ जो डे है उसका 28 to 32 days मैक्स है। 32 days के अंदर आपको बेबीज मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरा केस का मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है, तो मेरे को गाइस 28 days में मेरे को मिल जाता है, ठीक है। बेबीज फ्राइज लेकर देते कभी कभार तो, लेकिन 28 days से वो पहले तो नहीं करती है, 28 days के बाद ही करेगी, और या फिर 28 days में ही लेकर देती है। तो यही है गाइस उसका डे का कैसे पता कर सकते हैं कि आप जिस दिन से रखें साथ में उस दिन से कैलकुलेट करना ट्राई कर देना, या फिर जिस दिन आपको वो दिखा कि उसका जो बेली है वो फूल गया है बड़ा हो गया, उस दिन से काउंट करना ट्राई कर लेना, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा। और मैं आपको साइड में कुछ फोटोज लगा दूंगा गाइस। मेरे भी दो गपीज हैं जो कि प्रेग्नेंट है, और वो कुछ दिनों के बाद वो अपना बेबीज जो है ले करने वाली है। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो ऑरेंज कलर का जो टेल है जो मेरा गपी है, वो अभी करंटली प्रेग्नेंट है। कहाँ गया यार, पता ही नहीं चला। हाँ अरे वो यही है क्या? हाँ, क्योंकि गाइस इतने सारे ऑरेंज कलर, हाँ ये है गाइस जो कि अभी प्रेग्नेंट है, जो कि कुछ ही दिनों में बेबीज ले करेगी। और तो गाइस मैं उस चीज़ का भी अपडेट दे दूंगा, और मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे करना है, केयर करना है, जो कि मैं इसमें देखिए गाइस। और ये जो छोटे छोटे फ्राइज जो दिख रहे हैं गाइस, ये एडल्ट हो गए हैं अभी, और उनका कलर आ गया है। और सबसे मेन बात यह है कि गाइस इनका ये इसी के बेबीज़ हैं, जो ऑरेंज वाले के ही बेबीज़ हैं, जो कि अभी बड़े हो गए हैं, या सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है गाइस, जो कि बेबीज़ ले करेगी कुछ ही दिनों के बाद। और इसमें छोटे छोटे भी फ्राई हैं आप जैसे देख पा रहे हो गाइस। तो गाइस मैं जब ये बेबीज़ ले करेगी तो गाइस मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और कैसे करता है इनको कैसे केयर करना है वो भी मैं बता दूंगा गाइस। तो आपके लिए इजीली रहेगा कि आप इन सब चीज़ों से आप खुद का बेटर सीख सकें, और अगर मेरे से कुछ गलती हो गया है तो गाइस मुझे भी थोड़ा सा बता देना गाइस। हमारी गपीज मोलीज जो होती है गाइस, वो लाइव बियरर फिश होती है, तो वो डायरेक्ट बेबीज देती है, वो एग नहीं देती है। और मैं आपको कुछ साइड में अपना जो गपीज है वो भी प्रेग्नेंट है गाइस, और मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। और जब क्या बोलते हैं कि बेबीज फ्राइज हो जाएंगे तो गाइस मैं आप वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से केयर करते हैं और किस तरह से रखते हैं, तो आपको और भी आसानी होगा। तो गाइस जरूर देखना, और शायद ही मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया ना इजिली। अगर मैं इजिली समझाया तो शायद ही आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझाया तो 1 मिनट में मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक टब लेना है, टब में हाइडिंग प्लेस होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, ताकि जब वो बेबीज दे 28 दिन के बाद, तो बेबीज जब वो बेबीज ले कर दे तो उनको हाइडिंग छुपने का प्लेस मिल जाए। और हाँ एक चीज का जरूर ध्यान देखना, मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि प्लांट लगाना पता है, इसलिए क्योंकि अगर आप प्लांट नहीं लगाओ ना वो अपने बेबीज को खा लेती है, ठीक है, इसीलिए प्लांट्स लगाना है ताकि छुपने का प्लेस मिले बेबी फ्राइज को, क्योंकि आपको तो बेबी फ्राइज चाहिए ना, तो उनको भी तो बचाना है ना। वही अगर प्लांट नहीं लगाओ बेटा वो खा जाएगी यार, तो वो बचेगा नहीं, तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान देना, ठीक है। और वाटर क्वालिटी ध्यान देना गाइस, फीडिंग ध्यान देना, और क्या बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर ध्यान देना। तो मैं आपको बताया कि ब्रीडिंग का कैसा रहता है, ब्रीडिंग कैसे करते हैं, मैं इजी सा स्टेप बताया हूँ गाइस। और अगर आपको, मैं नहीं चाहता कि मैं देखो यार, मैं जैसे करता हूँ ना मैं आपको वैसे बताया हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड करके अपना चीज नहीं करता, मैं जैसे करता हूँ मैं इजी सा स्टेप बताया हूँ गाइस मैं आपको, तो आप अगर फॉलो करना चाहो ट्राई करना चाहो तो एक बार कर सकते हो।